오 대박이다 개 바이 끝내서 바로 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 भाई कैसा रिएक्शन आया बताओ सो दिखा देता हूँ वैसे ही टाइटेनियम एग्जॉस्ट है ये चक्कर तो ये व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड गाइस आज के मस्त न्यू व्लॉग में आपका ढेर सारा स्वागत है। सो फिलहाल गाइस आज के व्लॉग में ना हम जिप्सी में जाने वाले हैं व्लॉग करने के लिए, साथ में आज ना शान भी स्कूटर भी ला रहे हैं तो उस पर भी राइड करके देखेंगे। गाइस व्लॉग ना आज इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि ना आज जिप्सी लेके ना गाइस हम ना मतलब जो भी स्टंट वन कर रहे होंगे ना गाइस आज ना हम उनके पीछे भागने वाले हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। जो भी हो गाइस व्लॉग को पूरा देखना एंड गाइस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो एंड खुद आप प्यार दिखाना। बाकी गाइस मिलता हूँ सीधा मैं बाइक पे। सो अभी फिलहाल गाइस मैं गाड़ी में बैठा हुआ था एंड अभी एक सीन हुआ गाइस, मैं ना जस्ट एडिट कर रहा था व्लॉग, जस्ट ना मैं अभी घूमने के लिए जा रहा था, मैंने सोचा चलो व्लॉग एडिट कर लेते हैं सबसे पहले तो। बट गाइज मैंने जितनी भी अपनी मोटो व्लॉग वाली क्लिप जो भी मतलब अपनी बाइक पे बनाई थी ना गाइज वो पता नहीं क्या हुआ, गोप्रो ने सारी डिलीट ही कर दिया ऑटोमेटिकली। तो अब ये सीन पड़ गया हुआ, मैं सोच रहा हूँ व्लॉग क्या डालूं, बट मैंने हल्की हल्की सी ना फोन से क्लिप बनाई थी जो हमने जिप्सी पे गाइज रिएक्शन शूट किए थे, जो मैंने स्कूटर चलाया था ना इलेक्ट्रिक वो थोड़ा सा हल्की सी क्लिप मैं डाल दूंगा, वो तुम देख लेना। बाकी तो गाइज सारी क्लिप ही डिलीट होगी यार, ये समझ नहीं आता है क्लिप डिलीट कैसे होती है। अब तो मेरे को लगता है गोप्रो खराब हो गया गाइज, गोप्रो भी लेना पड़ेगा यार। सुपर बाइक का भी गाइज थोड़ा सा होने वाला है जल्दी काम, मतलब जल्दी आने वाली है। कितने दिन ही बचे गाइज सुपर बाइक को आने में, सिर्फ 11 दिन बचे अपनी सुपर बाइक को आने में, 3 या 4 दिन में गाइज मैं अपनी सुपर बाइक की फुल पेमेंट देने वाला हूँ। फिर गाइज देखते हैं सुपर बाइक पे क्या क्या सीन आता है। बाकी गाइज मैंने तुम्हें बोला था ना एरो का एग्जॉस्ट में तुम्हें दिखाऊंगा आज, तो गाइज मैं आज तुम्हें एरो का एग्जॉस्ट दिखाने जा रहा हूँ जो कि गाइज मैंने ऑर्डर किया हुआ है। तो और चलते हैं इस पिट स्टॉप में एंड मैं तुम्हें एरो का एग्जॉस्ट दिखाता हूँ, ठीक है आज, ठीक है। मतलब व्लॉग तो बना नहीं इसलिए गाइस नेक्स्ट व्लॉग थोड़ा सा शूट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा लंबा बन जाए, बाकी वाला व्लॉग जो रह गया चलो छोड़ो उसको, ठीक है ना। अभी फिलहाल गाइस मैं तुम्हें एरो का एग्जॉस्ट दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल गाइस हम ये वाली गाड़ी चलाने वाले हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट देखो ऐसे होती है, कुछ होगी स्टार्ट चलानी है। हाँ सीट बेल्ट कर पा, वो सीट बेल्ट नहीं चलती भैया, मैं प्यार से चलाता हूँ, चलिए न्यूट्रल है जी। अच्छा तो 4x4 नहीं लगाया, ठीक है ना। तो ये नीचे आती है, अच्छा सो मेरे को डर लग रहा है, अरे पहली बार जिसे चला रहा हूँ ना। तो ये न्यूट्रल है गाइस, ये रिवर्स डल गया। तो अभी गाइस इसको लेते हैं पीछे, ठीक है आहिस्ता आहिस्ता लेते हैं, कोई टेंशन नहीं गाइस। हाँ ये टेंशन क्यों ले रहे, मेरे को क्यों डरा रहे हो आप, एकदम प्यार से देखो मगर प्यार से। हाँ अरे गाइस मोमो सर आप क्या दबा रहे हो, मोमो बहुत गंदे हो गए शिक्षक भाई, गंदी बातें करते हैं, काट लो गाइस। ये होता है पावर स्टीयरिंग, ये पहला डल गया जी। हेलो क्या ड्राइवर बनोगे रे आप, टेंशन साफ चेहरे में दिख रही है आपके गाइस। अब क्या करें यार, पहली बार जिप्सी चला रहे हैं। हाँ अब नहीं होगी गाइस बंद, अब तुम्हारे भाई ने मोमो सीख लिया पावर गाइस ये डाल दिया सेकंड गियर, आराम से आराम से गाइस स्लोली गाइस जिप्सी यार अब मुझे ब्रेक समझ देख लो। हाँ ब्रेक भी स्टार्ट होने से देख ही रहा हूँ, हाँ वैसे ठीक ही है ब्रेक भी, ब्रेक का कोई चक्कर नहीं है, इतने बड़े बड़े टायर है ना। हाँ यही ना बात, वैसे प्यार पहले चलानी है ना इसको। हाँ जी बिल्कुल बहुत प्यार से। हाँ गाइस हमने 5वें गियर पे डाल दिया इसको, अब प्यार पैर चलाते हैं, अब ऊपर वाले का कहना जो होगा देखा जाएगा, हम मोमो का दबा दबा के चलेंगे, ठीक है। इसका गाइस स्टीयरिंग व्हील भी बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी अब चलते हैं पिट स्टॉप में एंड थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल गाइस हम यहाँ पे जिप्सी में बैठे हुए हैं, ईशान भी है तो गए हमारे साथ, ठीक है। तो अभी गाइस सीन ऐसा है कि आगे ना हमें कुछ बाइकर्स दिखे, ठीक है, तो हम आगे जाने वाले हैं अभी, ठीक है। तो रिएक्शन देखते हैं क्या सीन आता है उनको जिप्सी से देखे, ठीक है। अभी भैया मेरा कैमरा पकड़ लेंगे फिर देखते हैं भैया रिएक्शन आने वाले तकड़े कैमरा, तो अब चलते हैं गाइस। गाइस आ जाने वाला तगड़ा मजा भाई, बस तुमने रिएक्शन देखना बाकी ऐसे ही है क्योंकि जिप्सी को देख के ना
सारे भागते हैं यार। मैं एक ही फोन पे बनाता हूँ फिर ले लेंगे। वो देखो गाइस आगे बाइक कितने लगा 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 गाइस बाइकर्स देखो बाइक सारे भाग गए हैं। ओ गाइस सारे भाग गए। ओ भाई गाइस देख रहे हो कैसे भाग रहे हैं सामने से। गाइस पीछे करते हैं, पीछे करते हैं इसको। आई साइड से चलानी पड़ेगी गाइस जिप्सी है। फरार से भी फरार। ओ गाइस देख रहे हो सिग्नल दे रहे हैं वो। कोई नहीं हम भी गाइस मोड़ लेते हैं, कोई चक्कर नहीं। आज तो गाइस इनको पकड़ के लाएंगे इंस्टेंट। आधे वहां चले गए, आधे वहां चले गए। इंस्टेंट बसों को हम पकड़ के लाएंगे गाइस आज। जिनको जाना जल्दी ऑटो वाले भैया को गाइस ऑटो वाले ऐसे भागे जल्दी हम कोई अच्छा नंबर पकड़े पकड़े इसको गाइस कुछ लेके भागा कभी हमारी जिप्सी देख के। बट चलो कोई चक्कर नहीं गाइस, पुलिस वाले जब तक जिंदा है इन लोगों को पकड़ के रहेंगे ठीक है। गाइस देखो इंडिकेटर दे दिया पुलिस वाले को। तो यार ये होता है मजा, शाबाश मिल जान। ओ भाई गाइस देखो पुलिस वालों में देख के ऐसे भागते ना लोग यार कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आज की वीडियो में मजा आया प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चैनल में सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, इसमें बस सेफ बैठ पीस आउट दादा बाय बाय। एंड गाइस कल ऑफ रोड होने वाला है, ब्लॉग को पूरा देखना चैनल सब्सक्राइब कर देना। गाइस इन लोगों को पता चल गया जिप्सी दूसरी है, तभी ये यहाँ पे रुके नहीं है यार, वरना वो देखना देखना कट मार रहे गाइस आगे से। गाइस अभी यहाँ पे लगाते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है इनका, क्या रिएक्शन था इनका, रिएक्शन लेते हैं इनका। ये गाइस ऊपर लगा दिए ना, वो कसम जान कर गए यार भाई, कैसा रिएक्शन आया बताओ, डर गए सारे गाइस, ये सारे दौड़े फटाफट करके यार। चलो राइड कर रहे हैं यार गाइस, अमीर लोग 90,000 की वॉच हाथों में, अमीर लोग भैया अमीर लोग। वो देखो आना सबने ठीक है, कावासाकी की शोरूम के बाहर जीना अंडर को आ रही है सबने ठीक है। अंदर आने को मिलेगा क्या, अंदर मैं ला के लूंगा यार, नहीं भी होगा शीशा खोल देंगे ठीक है, कोई टेंशन नहीं, तोड़ देना शीशे तोड़ देना कोई टेंशन नहीं, हाँ पार्टी भी दे दूंगा। और बताओ 19 को कावासाकी के शोरूम है, कावासाकी के शोरूम है करके पास ही है। हाँ बस ठीक है, चलो ठीक है फिर आहिस्ता जाना ठीक है, सेफ राइड ओके बाय बाय। चलो सो गाइस ये होता अपना प्यार, बाकी अभी भाई भी अपने साथ, अभी भी आपको कैसा मजा आया, आया फुल पावर, डर के ले लो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिलहाल गाइस यहाँ पे देखो एरो का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ये चेक कर रहे हो, अभी ओपनिंग की हुई है इसकी मैंने, तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, वैसे ये टाइटेनियम एग्जॉस्ट है, ये चेक कर रहे हो गाइस, ये देख रहे हो साथ में डीवी किलर भी लगा हुआ है, ये देखो ओ भाई। सो गाइस ये लगने वाला अपने जीना हंडर में एग्जॉस्ट, एंड तुम अगर कमेंट करोगे ना तो यार मैं ना जैसे जीना हंडर लूंगा ना तभी लगा दूंगा एग्जॉस्ट। वैसे बुरान भी अगर लगा दो तो कोई मतलब दिक्कत नहीं ना आती ना इसमें, अगर एट ए टाइम लगा दिया, कुछ लोग बोलते हैं ना 1,000 चलने के बाद लगाना ठीक है। सो फिलहाल गाइस अभी इसकी हाफ पेमेंट हम दे देते हैं ठीक है, बाकी फिर इसको हम ले जाएंगे ताकि बुरान भी बेच नहीं पाए किसी को ठीक है। सो फाइनली गाइस अभी मैं घर पे आ गया हूँ, एंड एग्जॉस्ट तो देख लिया अपना, तो अब गाइस तुम लोग कमेंट करो कि यार वो वाला एग्जॉस्ट लूँ या नहीं। मेरे को तो गाइस ठीक ही लगा ठीक है एरो का एग्जॉस्ट, और टाइटेनियम में गाइस ऊपर से सबसे सही बात गाइस की ना उसका टाइटेनियम जो कलर चेंज होता है ना वो बहुत प्यारा लगता है। तो अब गाइस तुम कमेंट करो फटाफट, अभी फिलहाल एडिट भी करता हूँ व्लॉग, पिछला व्लॉग तो जो मैंने शूट किया था ना यार वो तो सारा गायब भी हो गया, वो तो पता नहीं अब उसका क्या होगा, इसलिए गाइस मैंने नया व्लॉग थोड़ा सा शूट किया, ये ऐड ऑन कर रहा हूँ बीच में उसके साथ ही ठीक है। बाकी गाइस पता नहीं यार अभी इतनी दिक्कतें क्यों आ रही है यार, अभी जस्ट मेरा गोप्रो का सीन हुआ था, अभी फिलहाल ना मैंने इसमें ना अपनी वीडियो शूट की थी अपने कैमरे में, तो इसका भी गाइस कुछ सीन हो गया, मैं तो मैं एक तो सीन पता उसका हुआ गया यार ठीक है। गाइस इसका सीन ये हुआ है यार, ये चेक कर रहे हो
मतलब जब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ ना, ये देखो फिलहाल तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है गाइज ये ऑन हो गया हुआ है। अब ना ये एक्चुअली सीन क्या है, यहाँ पे ना अगर ये जो इसका बटन है ना इसको क्लिक करो ना तो वीडियो ऑन होती है। ये देख रहे हो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ना, वीडियो ऑन नहीं हो रही, ये उल्टा ना ऐसे मतलब कुछ अलग ही, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो ये वाला बटन, जो कि ये वाला बटन ना अपार्चर का होता है, ये देख रहे हो AF जो लिखा हुआ ना यहाँ पे ये वाला, तो इसको दबाओगे ना तो आपका क्लियरिटी वाला ये वाला ऑप्शन होता है, बट ये वाला बटन भी एक्चुअली खराब हो गया, ये चल नहीं रहा, ये देख रहे हो। तो मैं ना वीडियो भी नहीं शूट कर पा रहा यार, पता नहीं क्या सीन है। इधर मोड्स वोड्स भी मैंने सारे चेक कर दिए कि सारा कुछ ओके है, बट पता नहीं क्या सीन है यार, चल ही नहीं रहा। मतलब एक के ऊपर गाइस एक मुसीबत आ रही है यार, 1.5 लाख का लेके गाइस सिर्फ नुकसान हुआ और कुछ नहीं। गाइस क्या ही बोले यार, मतलब सुबह ही आने वाली है और ऊपर से गाइस दो नुकसान, वो भी महंगे महंगे छोटे नहीं गाइस, एक GoPro खराब, ये खराब गाइस। अब क्या ही बोलूं यार, इसका तो वैसे भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता था तो ज़्यादा कोई चक्कर नहीं था, बट GoPro से शूट करता था, GoPro नहीं चल रहा था ना इसलिए गाइस मैंने ये शूट किया। अब इसको दिखाना पड़ेगा, देखते हैं क्या सीन रहता है। क्या बता रहे, मेरा ये वाला जो रिमोट है ये खराब हुआ, यहाँ तो कैमरे में कोई डिफॉल्ट है, तो वही दिखाते हैं अभी। कि गाइस मैं ना अब कावासाकी के शोरूम भी जाने वाला हूँ, कल या परसों जाऊँगा, क्योंकि ना पूछना है कि मेरे को ना एट टाइम नंबर प्लेट मिल जाएगी अपनी बाइक के साथ, क्योंकि ऐसे तक ना अभी जानू कि जो नंबर प्लेट है ना गाइस वो अभी तक आई नहीं है, ठीक है ना। और भाई मैं तुम्हें ना एक बात बोलना चाहूँगा कि ना यार किसी बंदे ने ना मेरा नंबर लीक कर दिया हुआ है, तो प्लीज़ मेरे को कॉल मत की करे यार, इतना मतलब ढेर सारी कॉल आ गई है, एक तो मतलब बीमार हूँ ना तो मैं जुकाम से भी लग रहा होगा, तो प्लीज़ इतनी कॉल मत करो यार, मैसेज कर दो मेरे को इंस्टाग्राम पे, मैं रिप्लाई दे देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बंदे होते हैं, इसलिए गाइस मैंने स्नैपचैट की भी आईडी ना अपनी बायो के नीचे मेंशन की है, तो ना कुछ लोग वहाँ पे भी है मेरे साथ, तो उनसे ही बातें करते रहता हूँ, बट उधर भी गाइस मेरे को कॉल या वीडियो कॉल मत करो यार, ऐसा ऐसा थोड़ा सा टाइम लगता है, बट गाइस सबसे बात करने की ना कोशिश करूँगा मैं। एंड प्लीज़ यार मेरा नंबर मत दो किसी को, किसी के पास है तो ठीक है भाई अपने पास रखो, ठीक है मैं मिलूँगा आपसे पर्सनली आके मिलूँगा, ठीक है कॉल पर बातचीत होती रहती है। एंड जब से मेरे गाइस 1000 सब्सक्राइबर थे ना, जिन जिनको मैंने नंबर दिया था ना, तब से गाइज मुझे पूरा शक पड़ रहा है कि उन्होंने ही नंबर दिया आगे लोगों को, बट चलो कुछ लोगों से गाइज मेरी अभी भी बात होती रहती है अपने सब्सक्राइबर से, कुछ लोगों से नहीं भी होती है, पर कोई चक्कर नहीं, जिनके पास है नंबर गाइज वो रखो, कोई चक्कर नहीं, बट किसी को आगे मत दो प्लीज़ यार, मैं अभी भी हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। एंड कुछ लोग घर पर भी आते हैं, चलो अच्छा है यार बहुत बढ़िया, जैसे घर पर आता है ना मैं कुछ नहीं बोलता उनको, मैं आ जाऊँ कोई चक्कर नहीं। किसी ने ना रात को मतलब नहीं शाम को मेरी बाइक की ना थोड़ी सी टेपिंग फाड़ी हुई है, तो भाई कैमरे लगाने पड़ेंगे अब मुझे लग रहा है, ठीक है ना, इसलिए गाइस मैंने आज बाइक ना पिट शॉप में रखी है, ठीक है ना, थोड़ी देर तक क्या पता कल टेपिंग पड़ी है गाइस, कल कुछ और कर दे, तो कैमरे लगाऊंगा गाइस फिर, क्योंकि अपनी तुम्हें पता है 100 बाइक भी आएगी, 100 बाइक तो वैसे दूसरे घर पे लगा ही दूंगा, उसका कोई चक्कर नहीं है, बट गाइस पूरे देर तो लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को आगे पीछे भी जाना होता है यार, थोड़ा सा काम वाम होता तो फिर बाइक ही लेके जाऊंगा, इसलिए गाइस अब कैमरेज भी लगाने पड़ेंगे घर पे, तो फटाफट गाइस कैमरा मुझे बताना कौन सा अच्छा रहेगा कि जो घर के लिए ना सही रहेगा, ठीक है ना, ज़्यादा प्यार दो कि मतलब हम ना सुबह के बाद सीधा ZS चैनल ले लें, ठीक है ना, तो प्यार दो फुल सपोर्ट करना, ठीक है। बाकी फिलहाल अब गाइस मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में, गुड बाय, सेफ राइड, पीस आउट, टाटा बाय।